जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पांचवे समन के बावजूद भी ईडी कार्यालय पेश नहीं हुए और इसे लेकर एक रिट याचिका भी दायर की गई थी हाई में लेकिन अभी वो याचिका सूचीबद्ध नहीं हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर कर रखा है रिट याचिका और सुनवाई के लिए जल्द हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे वहीं अब कोई भी आवेदन याचिका से संबंधित फिलहाल दायर नहीं करेंगे सूत्रों से हवाले की खबर आई है वहीं दायर याचिका सुनवाई के लिए अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है और सीएम ने हाईकोर्ट में शक्तियों को चुनौती दिया है जिस तरीके से बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पांचवें समन के बाद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे पूछताछ के लिए और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ बने हुए हैं राहुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पांचवे समन के बावजूद भी नहीं पहुंचे ईडी तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ के लिए जमीन घोटाले मामले में बुलाई थी और जिस तरीके से पर आरोप लगे हैं उसकी जांच करने के लिए पूछताछ करने के लिए पूछताछ जांच में सहयोग करने के मकसद से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाई थी और उसमें आप देखेंगे कि पहला जो उनको समन जारी हुआ ईडी की ओर से 14 अगस्त का जारी था उसके बाद दूसरा 24 अगस्त तीस, तीसरा जो है उनको समन हुआ 9 सितंबर चौथा समन 23 सितंबर और पांचवा समन जो था आज यानी 4 अक्टूबर का जारी हुआ था लेकिन आज भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे उनका पलामू प्रस्तावित कार्यक्रम है कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना है कई कार्यक्रमों में शामिल होना है उसके बाद पांच अक्टूबर की अगर बात करें तो पांच अक्टूबर में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी हो जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी और छह तारीख को पूर्वर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नेताओं के साथ उनकी दिल्ली में बैठक है तो हम कह सकते हैं कि 6 तारीख का जो शेड्यूल है 4 से लेकर 6 तारीख का जो शेड्यूल है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरी तरीके से ओपन हो चुका है और ये साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे वो पलामू जाएंगे हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ईडी का अगला कदम क्या होगा हालांकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से रवैया अपना रहे हैं अब साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि अब ईडी से सीधे टक्कर लेते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके के आरोप लगते आ रहे थे मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन अलग अलग मंचों से लगातार ये बोलते आ रहे थे कि बीजेपी जो केंद्र में बैठी सरकार है और लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करने का काम कर रही है उन्हें अलग अलग हथकंडे अपनाकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर उनका प्रयोग किया जा रहा है और एक तरह से कह सकते हैं उन नेताओं को डराया जा रहा है विपक्ष को डराया जा रहा है हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि चार आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे लेकिन ईडी का अगला कदम क्या होगा हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक रीट याचिका भी ईडी की शक्तियों को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में दायर किया है जिस तरीके से जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक हाई कोर्ट में रीट याचिका भी दायर की लेकिन हालांकि जिस तरीके से वो याचिका अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है तो आखिर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सूचीबद्ध नहीं हुई है देखिए न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसमें मुख्यमंत्री हो चाहे आम व्यक्ति हो सबके लिए एक ही न्यायिक प्रक्रिया होती है और एक प्रक्रिया के तहत सुनवाई सूचीबद्ध होती है और जिस तरीके से आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका डाला था तो पन्द्रह से बीस दिनों के बाद ही सूचीबद्ध हुई थी और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाईकोर्ट जाए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि तेईस सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के शक्तियों के खिलाफ याचिका दायर की है और उसमें अभी सुनवाई होनी बाकी यह सूचीबद्ध नहीं हुआ है हालांकि एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही अंकिता की जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लग रहा था कि वो अर्जेंट मैटर की सुनवाई को लेकर आग्रह करेंगे हाई कोर्ट से वो कोशिश करेंगे और हाई कोर्ट में एक आवेदन देकर हाई कोर्ट से कहेंगे कि हमारी जो याचिका है ईडी की चुनौतियों वाली जो याचिका हमने रिट पिटीशन दायर किया उस पर जल्द सुनवाई किया जाए लेकिन फिलहाल जो जानकारी आज निकलकर सामने आई है सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि किसी तरह की कोई कोई भी आवेदन आने रीट याचिका जो ईडी के खिलाफ दायर की है मुख्यमंत्री उस पर कोई भी आग्रह कोर्ट से सुनवाई के लिए करने वाले अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं उम्मीद जताई जा रही थी कि कल भी एक उम्मीद थी यानी बीते कल की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रीट याचिका जो दायर की गई उस पर अर्जेंट सुनवाई के लिए कोई आवेदन हाई कोर्ट में दिया जाए हालांकि कयासों का बाजार गर्म था और आज उम्मीद जताई जा रही कि कल तीन तारीख को नहीं दायर किए तो आज दायर करेंगे लेकिन जो अभी जानकारी निकलकर आई है थोड़ी देर पहले उसमें साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब हाईकोर्ट में किसी का आग्रह नहीं करने वाले हैं और अब देखने वाली याचिका अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि याचिका में जो सूचीबद्ध नहीं होने को लेकर याचिका में जान बूझ त्रुटियां छोड़ी जा रही है तो इसे लेकर क्या सत्ता पक्ष की ओर से कुछ बयान सामने आ रहे हैं इसे लेकर क्या कहेंगे आप देखिए अगर हम याचिका में त्रटियों की बात करें अंकिता तो इससे पहले जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने एक याचिका दायर की थी और याचिका में जिस तरीके की त्रुटियां थी उसमें भी तीन चार त्रुटियां देखने को मिली थी हालांकि ये त्रुटियां किसी भी याचिका में होती है क्योंकि जब आप याचिका दायर करते हैं और जब उसकी आ, दायर हो जाती है जब उसमें ऑनलाइन जब चेकिंग होती है तो कुछ कुछ त्रुटियां होती है जैसे आईडी कार्ड हो या थाना का नाम हो या थोड़ी छोटी छोटी त्रुटियां होती है वो त्रुटियां कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कभी कभी क्या होता है कि याचिका की सुनवाई होती रहती है और उसमें त्रुटियों को दूर कर लिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बड़ा इशू नहीं है हालांकि विपक्ष इसको बड़ा इशू बना रहा है है वो अलग विषय लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, की की बात करें करें बाबूलाल मरांडी की की याचिका और कई बड़े लोगों ने याचिका दायर की थी और उनको उनकी याचिकाओं में भी त्रुटियां थी जिस तरीके से आप खनन घोटाले मामले में जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में चल रही थी उसमें भी कई त्रुटियां थी उसको दूर किया गया तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट प्रक्रिया में जब याचिका दायर करते हैं तो कोई ना कोई त्रुटियां रह जाती है कोई पेपर रह जाते हैं कागजात रह जाते हैं कोई चीज स्पष्ट नहीं होता है उसका दूर करना होता है तो वो याचिकाकर्ता दूर कर लेता है उसे याचिका के सेहत पर कोई भी असर नहीं पड़ता हालांकि विपक्ष का काम है मुद्दा खड़ा करना सत्ता पक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना हम उस पर आ, आ, नहीं आ, बात करेंगे लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है सूचीबद्ध होना बाकी है लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिस तरीके से मूड दिखाई दे रहा है वो आर पार की अब लड़ाई लड़ने के लिए लगता है तैयार हो चुके हैं क्योंकि ईडी का पांचवां समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं जाना मुख्यमंत्री यह दर्शाते हैं कि अब हम किसी भी हाल में ईडी के सामने नहीं जाने वाले हैं अब ईडी का अगला कदम क्या होगा ये कयास लगा पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पांच समन जारी होना उसके बाद भी ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री का नहीं जाना एक बड़ा विषय है जी जी राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप बने रही खबर पर हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे तो जैसा कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के पांचवे समन के बावजूद भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे वही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी से पूछताछ होनी थी और ये बता दें आपको कि दायर याचिका सुनवाई के लिए अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाईकोर्ट में जाए इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर की है और इसके बाद हालांकि रीट याचिका सूचीबद्ध नहीं हुई है और अब यह देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट और ईडी का अगला एक्शन क्या कुछ होता है